सुपर सोना करून दाखव फिंगर दे फिंगर दे फिंगर पाउडर 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 वर्बा वर्बा पाउडर दे पाउडर दे स्माइल स्माइल तो दे अजय खाली बघून स्माइल देते दे सो अभी हम लोग आ गए हरिहरेश्वर टेम्पल और यहाँ पर फुल रश है श्रीवर्धन के ही है। जय शिवराय। सो हरिहरेश्वर टेम्पल के पीछे ही एक जगह है जहाँ पर मीठे पानी का झरना है, क्योंकि वहाँ पर पूरा समुंदर है पर एक मीठे पानी का झरना आता है। अब कहाँ से आता है ये अभी तक किसी को पता नहीं चला है, तो हम लोग अभी वहाँ पर भी जा रहे हैं उसके लिए। यहाँ पर नीचे टेम्पल है और टेम्पल से एक पीछे से एक रूट आता है, रास्ता आता है, यहाँ से आपको जाना है ऊपर की तरफ। नीचे समुंदर है और जो मीठा पानी है वो हम देखने जा रहे हैं कहाँ से आ रहा है। तो आपने बहुत सारे वीडियो में ये रास्ता देखा होगा हरिहरेश्वर का, और यहाँ से अभी हम नीचे जाएंगे। और ये पूरा यहाँ से समुंदर है, वो साइड में भी समुंदर है। सो ये वो कातल है काटे।
जैसे आप उस टेंपल के पीछे आओगे तो ये वो जगह है जहाँ पर पूरा समुंदर है। और अभी शंकर मुझे दिखाएगा कि वो गोर पानी का कातल कहाँ पर है। हवा बहुत तेज है। मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आया था पर मैंने ये जगह एक्सप्लोर नहीं की थी क्योंकि ये बंद थी। आज शिवरात्रि है इसलिए जगह ओपन है और बहुत अच्छे टाइम पे आए हो वो देखने के लिए। तो यहाँ पर वो निशानी लिखी गई है जहाँ से वहाँ पर गोर पानी का कातल है। अब यहाँ से हम जाएंगे कुटे है जाओ सकते सो यहाँ से वो पानी आता है मीठे पानी का और यहाँ पर जमा हो जाता है। अभी जैसे आप इस पहाड़ के पीछे आओगे आपको यहाँ पर गोड पानी दिखेगा। वो पूरा पानी नमकीन नहीं होता है मीठा ही होता है। उसी झरने के पीछे ये समुंदर भी है जो टेंपल और जस्ट उसके पीछे है। और क्या नज़ारा है। ये था हमारा हरिहरेश्वर का ब्लॉग। सो रायगढ़ से हम आए थे मतलब मानगांव से हम आए थे हरिहरेश्वर और ये ब्लॉग हम यहाँ पर ही एंड करते। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर करो। इंस्टा पे हमें फॉलो करो वंडरलस्ट प्रभात प्लस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं आपको जल्दी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय शिवराय ओम साईं राम।